आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जल्दी भारत और श्रीलंका के बीच नियमित ओवरों की सीरीज शुरू होने वाली है, जिसके लिए बीसीसीआई ने एक युवा टीम को इस दौरे के लिए तैयार किया है। दोस्तों अब देखना ये रहेगा कि किस युवा खिलाड़ी को इस दौरे पर टीम में अपनी जगह बनाने का मौका मिलता है और किसे नहीं। तो आइए बताते हैं आपको पहले ओडीआई में खेले जाने वाली भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन बेहतर कप्तान है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की एक अनुभवी टीम जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड में खेले जाने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड के दौरे पर गई हुई है, तो इसी मौके पर बीसीसीआई ने एक युवा टीम तैयार करके श्रीलंका भेजी है। देखा जाए तो ये टीम काफी ज्यादा बैलेंस्ड है। इस टीम में कई अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ कई नए खिलाड़ी भी शामिल हैं। तो चलिए बताते हैं आपको भारत की इस टीम के बारे में। दोस्तों बता दें कि शिखर धवन जो कि पहली बार भारतीय टीम की मेजबानी संभालते हुए नजर आएंगे, वहीं दूसरी ओर भुवनेश्वर कुमार इस टीम की उप कप्तानी संभालेंगे। इस टीम में पृथ्वी शो, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। वहीं दूसरी ओर मनीष पांडे, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी और दीपक चाहर वनडे टीम में अपनी वापसी करते हुए नजर आएंगे। इस सीरीज में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, इन दोनों की जोड़ी वापसी करती नजर आ सकती है। इन्हीं के साथ साथ कई नए चेहरे भी भारतीय टीम की जर्सी में नजर आएंगे, जैसे कि देवदत्त पडिक्कल, चेतन सकारिया, नीतीश राणा, कृष्णप्पा गौतम, ऋतुराज गायकवाड़ और वरुण चक्रवर्ती। वहीं दूसरी ओर कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होंगे जो पहले T20 में अपना जादू बिखेर चुके हैं और अब ODI में भी शानदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जैसे कि सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, संजू सैमसन और राहुल चाहर। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस भारतीय टीम के हर एक खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए ये एक चिंता का विषय भी रहेगा कि किस खिलाड़ी को टीम में जगह दी जाए और किसे नहीं। तो आइए बताते हैं आपको कौन सा खिलाड़ी भारतीय टीम की पहली ओडीआई टीम में अपनी जगह बना सकता है। दोस्तों बता दें इस टीम में सलामी बल्लेबाज की कमान शिखर धवन और पृथ्वी शो संभालते नजर आएंगे। इन दोनों की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन हमने IPL में भी देखा है। इन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से IPL में अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स को टॉप पर रखा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं भारत के युवा जबरदस्त बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़, जो कि सीरीज में भारत की ओर से अपना डेब्यू करते नजर आएंगे। दोस्तों अगर बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव और मनीष पांडे भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर संभालते नजर आ सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के लिए T20 मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है, तो उनका ODI टीम में खेलने का लगभग तय है। और वहीं बात की जाए मनीष पांडे की तो वो काफी लंबे समय से भारतीय टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब लगता है आखिरकार उन्हें टीम में जगह बनाने का मौका मिलेगा ही। इसके बाद बात की जाए तो हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल पांड्या ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में शामिल होंगे। ये दोनों विस्फोटक बल्लेबाज के साथ साथ शानदार गेंदबाज भी हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों इन दोनों डिपार्टमेंट में भारतीय टीम को अपने शानदार प्रदर्शन से जीत दिलाने में मदद करेंगे। दोस्तों बता दें एक टीम की उप कप्तानी गेंदबाजी की कमान संभालते नजर आएंगे भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के विरुद्ध सीरीज में भारतीय टीम में अपनी वापसी करी थी। और इन्हीं के साथ गेंदबाजी करते नजर आएंगे दीपक चाहर, जो काफी लंबे समय के बाद ODI टीम में अपनी वापसी करेंगे। दोस्तों फिर की गेंदबाजी की बात की जाए तो युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव से बेहतर विकल्प भारतीय टीम को कोई नहीं मिल सकता, और ये सीरीज इन दोनों गेंदबाज के मनोबल के लिए काफी ज्यादा जरूरी साबित हो सकती है, तो उनका भारतीय टीम में अपनी जगह बनाना भी लगभग तय है। दोस्तों एक और खिलाड़ी ऐसा है जो भारतीय टीम में अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, वो खिलाड़ी और कोई नहीं चेतन सकारिया है। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और IPL में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए सिलेक्टर्स उनको भारतीय टीम में जगह दे सकते हैं। अब देखना ये रहेगा कि क्या यही प्लेइंग 11 श्रीलंका के विरुद्ध पहले ओडीआई मैच में खेलने उतरेगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, इन खिलाड़ी के अलावा कौन सा खिलाड़ी भारतीय टीम में अपनी जगह बना सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।